नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस आर न्यूज गुजरात। आज इस्लामी तारीख 9 जिलहज यानी 16 जून 2024 रविवार को अहमदाबाद के लाल दरवाजा में आई हुई शाह वजीउद्दीन अलवील हुसैनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी दोपहर की जोहर की नमाज के बाद 2 रकात हज की नमाज अदा की गई, जिसमें अकीदतमंद मुस्लिम भाई बहनों ने तशरीफ लाकर नमाज अदा की। इस नमाज में शाह वजीउद्दीन अलवील हुसैनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादा नसीन सैयद अरशद बाबा साहब और उनके साहिबजादे साहब ने तशरीफ लाकर नमाज पढ़ने आए लोगों के साथ में हज की नमाज अदा की। नमाज के बाद शाह वजीउद्दीन अलवील हुसैनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में सलाम पेश किया गया। ऐसा न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से साबन अली हड़के की रिपोर्ट। हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा, हम तमाम के खताओं को माफ अता फरमा, हम तमाम मुसलमानान इस्लाम की मगफरत अता फरमा। तेरी तौफीक से जो नेकियां कर रहे हैं, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सबका तो खैरा तिलावत,
ये दो रकात दो काला नमाज अदा की हज का सवाब हासिल करने के लिए तेरी रजा के खातिर तेरा कुर्ब पाने के लिए मौला इसे तो अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। इसमें किसी किस्म की गलती कोताही कमी लफजीज खता जाने अनजाने में दानिश्ता ना दानिश्ता तौर पे हुई मौला अपने शान रहीमी के सदके शान करीमी के सदके मुआफ़ अता फरमा। हमारी तमाम नमाजों को सजदों को तिलावत को सुन्नत को नफिल को फ़र्ज को वाजिबात को कुर्बानी जो अदा करेंगे मौला उन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। मौला करीम दुनिया भर में इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, मुसलमाना ने इस्लाम की हिफाजत अता फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। मौला करीम संजीदा बेगम सैयद बीमार है शिफा अता फरमा, जुमला जितने बीमार है तमाम को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। हम तमाम को सेहत व आफियत व तंदुरुस्ती अता फरमा, बेरोजगार को पाकिजा रिज़्क़ अता फरमा, बे औलादों को नेक औलादी अता फरमा, जिनके माँ बाप हयात उन्हें अपने माँ बाप की खूब खिदमत फरमा बरदारी करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला जिनके कारोबार जारी सारी है बेपना बरकत अता फरमा, जिनके नहीं है हलाल रोजी अता फरमा। ऐ रब्बे करीम बिलखुसूस बिलखुसूस फलस्तीन गाजा रफा के मजलूम मुसलमान यतीम मुसलमान बेकसो बेबस की मदद अता फरमा, गैबी मदद अता फरमा। ऐ अल्लाह तो कुदरत कामिला वाली इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अपनी कुदरत के जलवे जाहिर फरमा दे, जालिमों के जुल्म से नजात अता फरमा, हासिदों के हसद से बचा ले मौला, उन मुसलमानों को अमन अमान अता फरमा, खुशहाली अता फरमा दे मौला, उनका कुछ रास्ता असबाब पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझसे आज नौ जिलहज्जा कुछ तेरे महबूब की बारगाह की चौखट का वसीला देखकर शाह वजीउद्दीन अलवी उल हुसैनी सत्तारी गुजराती रदी अल्लाह ताला अन्हु शेखुल इस्लाम मुजद्दिद आसर मौला अली के प्यारे का वास्ता देकर हम दुआ करते हैं मौला गाजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, हम तमाम मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत फरमा दे, हम तमाम को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की बरकात अता फरमा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, अहले बैत के सदके में अता सरकार की मुरानी चौहान का सदका अता फरमा, आपकी दुआओं के सदके में हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा, आपकी इबादत के सदके में हमारी इबादत को कबूल अता फरमा, मौला बंदे पाक का सदका अता फरमा, सरकार मोहम्मद गौस कवारी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत तहमा का सदका अता फरमा, हजरत शाह अब्दुल वहाब कादरी चुप्पारी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत जलालिया का सदका अता फरमा। मौला करीम हमारी नमाजों को दुआओं को और जायज मुरादों को जो मांगा जो ना मांग सके जो रह गया जो भी हमारे दिलों में ज़हनों में है मौला कबूल मकबूल अता फरमा, अपना फजल फरमा अपना करम फरमाते सज्जादा नसीम और सतबा साहब को इल्म में उम्र में दर्जात में कमलात में बेहिसाब बेहिसाब बरकतें नसीब अता फरमा। आपका फैजान इस चौकट का फैजान इस खानवादी का फैजान सज्जादा नसीम का फैजान दुनिया भर में आम अता फरमा। यहाँ सादात इकराम मौजूद है मौला उन्हें इल्म में उम्र में दर्जात में कमलात में भी हिसाब बरकतें अता फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें कदम कदम जो है कामयाबी अता फरमा, उनके सदके में अहले बैत के सदके में सज्जादा नसीम औलाद पाक खान वादा के सदके में मौला करीम हम तमाम गुलामान आले रसूल का भला अता फरमा, हमारी भी तमाम नेक जायज दुआएं कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह हम मांग रहे हैं हमें मांगना नहीं आता है, हम सिर्फ इल्तिजा कर रहे टूटी फूटी जो समझ में आ रहा है, मगर तू फजल वाला है बेशक तू देने वाला है तू करीम है तू रहीम है तू जरूर अता फरमाता है, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि हमारे मांगने को ना देख बस अपने फजल करम से हमारी खाली झोली को भर दे गौरे मुराद से पुर नूर कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह अल फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सिद्दीक अहमद अशरफ़ी खतीब व इमाम दरगाह शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आज नौ ज़िलहज्जा शरीफ का दिन है और इस बारगाह यानी सरकार शाह वजीहुद्दीन अलवी अल हुसैनी गुजराती रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हज की नमाज़ अदा की जाती है।
एक अहमदाबाद शरीफ में दो मकाम पर होता है। एक हज़रत सरकार सैदना सैद बुरहानुद्दीन अब्दुल्ला कुतब आलम बुखारी रदी अल्लाह तआला वटवा शरीफ में और दूसरा यहाँ खानपुर सरकार शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती रदी अल्लाह उनके आस्थाने पर। ज़ोहर की नमाज के बाद ये नमाज दो गाना दो रकात अदा की जाती है। उसकी वजह यह है कि इससे सवाब हज हासिल हो और इसकी बरकत से खाना काबा बैतुल्ला शरीफ की हाज़री नसीब हो, हज बैतुल्ला नसीब हो। इसीलिए मुसलमानान इस्लाम अकीदतमंद मुरीदीन मोतकदीन तशरीफ़ लाते हैं और इसे अदा करते हैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रख कर कि इस नवाफिल का इस रकात का उस बारगाह से सवाब भी मिले और इसकी बरकत से और इस आस्थानों की इस दुआओं की बरकत से उस बारगाह रब में और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर नसीब हो जाए और मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और तमाम उम्मती मुस्लिमा और इंसानियत को आराम सुकून अमान अमन अमान नसीब हो जाए। ऐसी दुआएं की जाती हैं और इसी उम्मीद पर और इस बारगाह के सज्जादा नसीन सैयद अरशद बाहू साहब क़िबला मद्दे ज़िल्लतुल आली भी तशरीफ़ लाते हैं और हम यही दुआ करेंगे कि मौलाए करीम कुतुब आलम के सदक़े में, शाहजुन सरकार के सदक़े में, शाह आलम सरकार के सदक़े में, बुजुर्गान दीन के सदक़े में हम तमाम को अमन अमान अता फ़रमाएँ, बरकत अता फ़रमाएँ, आसानी अता फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।